ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। गरोना में कल जो एक वारदात हुई थी, व्यापारी को गोली मारी गई थी, तीन बाइक सवार लुटेरे आए थे, उसके रोष स्वरूप सभी व्यापारी किस तरह से हाईवे को जाम कर बैठ गए हैं। और हमारी आज सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। गुस्सा क्यों है आप? पकड़ने के गुस्सा दिखाओ ना कि पकड़ो उनको। यही तो इसके साथ नहीं है, आप ये बात नहीं कर रहा। कोई भी पिछली बार मेरे साथ साथ सुबह चला, अगले दिन पकड़वा दिए ना। इसे खुद गुहार लगाती हूँ कि जैसे योगी ने अपने यूपी को संभाल के रखा है, इस तरह इनको क्यों नहीं संभालते? आपका ढीला रवैया हमें पसंद नहीं आ रहा। मैं मुख्यमंत्री से गुहार करना चाहती हूँ कि गोंडा में इतनी वारदातें हो रही हैं, प्रशासन क्यों सोया पड़ा है? आपको लगता है कि प्रशासन और सरकार ढीला रवैया अपनाए हुए हैं? लग तो रहा है, देखो जी इसमें कहने क्या बात लग रहा है। अगर ये एक वारदात होती है, कंट्रोल नहीं होता, दूसरी होती, तीसरी होती है, लगातार वारदातें हो रही है। गुंडा भी ये सोच रहे हैं कि ये शांत वातावरण है, यही पकड़ो सारे। गोंडा में गुंडों ने डेरा डाल लिया क्या? पुलिस ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन मैं फिर कुछ और कहता हूँ कि अगर 24 घंटे जब इनके पास सीसीटीवी कैमरा आ गया, गाड़ी आ गई, तो इनको रात को ही कार्रवाई करनी चाहिए। तो गरोंडा में हुई वारदात को लेकर इस समय आप देख सकते हैं व्यापारियों ने एक डेढ़ घंटा हो चुका है जाम लगाया हुआ है। सच्चों उनके बीच में पहुंचे थे सर, क्या कुछ आश्वासन व्यापारियों को दिया गया क्योंकि एक डेढ़ घंटे से हाईवे जाम किया हुआ है उन्होंने, जो लोकल हाईवे है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इनको फर्दर गश्त के लिए मैंने बताया है। इनकी डिमांड थी कि प्रत्येक चौक पे शाम के टाइम कोई PCR या राइडर खड़ी हो, वो मैंने इनको इनसे बातचीत की है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि प्रत्येक रोड पे, लेकिन फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा जितनी गश्त होगी वो बढ़ाएंगे शाम के टाइम 5 से 8 बजे तक, और अपनी PCR राइडर्स को शहर में रखेंगे बाजार में। पड़ेगी और पूरी कोशिश होगी जो भी पकड़ा गया उसको बख्शा नहीं। हाँ थोड़ा व्यापारी को तसल्ली दे दो। पहले बीच में पूरी है की बात है यार, इस्तेमाल नहीं फिर हम उन लोगों बुला लेना है। और जिसने सुन लिया है आ जाओ एक मिनट के लिए, जिसने व्यापारी ने सुनना है एक मिनट आ जाओ भाई, या व्यापारी भाई बैठ जाओ दो मिनट नीचे। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल में गरोंडा में जो है किस तरह से व्यापारी के साथ गोली मारी गई, और उसके विरोध स्वरूप सभी व्यापारी जो है हाईवे पर उतर आते हैं। जाम लगाए हुए थे, करीबन 1.25 घंटा जाम रहा, और ऐसे चौ खुद व्यापारियों के बीच में पहुंचे हैं, आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो को जरूर शेयर करें। जो परमानेंट एनर्जी SP साहब से SP साहब यहाँ के लिए गगन है, गगन अभी नहीं आ रही। सुनो मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ कि कल की डेट में PCR के 17 चलान है, दूसरे में नेचुरली कि आपको सबको पता है कि ये एक चलान करने में कितने जद्द हो जाए, ठीक है? शहर में होंगे तभी चलान हुए ना सर, मास्क के चलान हो रहे हैं। मास्क के नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं MSC के मैं तो रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। ये देखो नहीं, अब छुप के मान लो PCR खड़ी है जैसे आप कह रहे हो कि बाजार में तो आई नहीं, तो कहाँ थी सर? हम राइडर की बात बोल रहे हैं PCR की, अभी राइडर नहीं आते, ठीक है? राइडर बढ़ा दो जी सर, राइडर बढ़ा दो। मेन चौक जितने हैं ना भाई साहब, वो एक कवर होने चाहिए, जो मेन राजपथ गली में ही निकलता है, हर गली के ऊपर पुलिस वाला खड़ा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। लेकिन मेन चौक तो आप कवर कर सकते हैं, अच्छा आप ऐसे करो, थाने में जाके बात कर लो, वैसे साल से बोलो। हाँ जी आप बता दो, ठोस देना जी, कार्रवाई हो बढ़िया। आप इन व्यापारियों को यूं कहो कि जैसे पिछली बार कोऑपरेट करे, अगले दिन तभी पुलिस ने पकड़ लिए, आज क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे? आप बताओ एक बार, हम तो बोल रहे हैं गुस्सा क्यों है आप? पकड़ने के गुस्सा दिखाओ ना कि पकड़ो उनको। यही तो इसके साथ नहीं,
रियायत हुआ है, आप ये बात नहीं कर रहे कोई भी। पिछली बार मेरे साथ साथ सुबह चला, अगले दिन पकड़वा दिए ना, बताओ कैमरे ही नहीं चेक करने दे रहा, कौन साथ चलेगा ना। यही बात आपने आप कहनी सर इनको की आप चलो थाने में बोलो, यही बात ये रोज पर एक बार आप आगे ना जी, तो चलो ठीक बात है। सारे चौका में खड़ी रहे, फिर भी आप लोगों के कोऑपरेशन के बिना कुछ है ही नहीं। जब तक व्यापारियों का और लोगों का कोऑपरेशन, इसीलिए तो स्वागत मांग रहे हैं ना जी, आश्वासन दो कि हम जल्दी से कार्रवाई करेंगे। सुनो करेंगे नहीं, हमने कर दिया है, जल्दी से कर दिया। लेकिन अगर आप लोग दो दो फुट की दूरी करो ना, इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग, अभी बना लगे मास्क नहीं है, मैं सब ना कर रहा व्यापार थोड़ा दूर करो, रिकॉर्डिंग कर लो भाई, तो मेरा चलाना कटवा दे, पत्रकार रखे जाओगे और वो व्यापारियों के साथ लूटपाट नहीं है, जो गाड़ी के 380 दी हुई वो अन्य आदमी, एक किसान के साथ है, एक और जो कोई बिजनेसमैन था बाहर का उसकी गाड़ी रोकी, और उसमें वो तीनों लूटपाट अलग थी, गोलीबारी है सब व्यापारियों के साथ ही हो रहा है, और शाम को 7 बजे के बाद हो रही, दोनों तीनों वारदातों में यही है। ऐसा नहीं है सर, एक बात है, कोई अलग नहीं है, लेकिन शाम को 6 बजे बाद, लेकिन मेरा तो सिर्फ यू है कि अगर अभी तक देखो कौन बढ़ जाती है, अभी 3-4-5 दिन पहले थाने के आगे प्रदर्शन कर दिया। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, गरोना में कल जो एक वारदात हुई थी, व्यापारी को गोली मारी गई थी, 3 बाइक सवार लुटेरे आए थे, उसके रोष स्वरूप सभी व्यापारी किस तरह से हाईवे को जाम कर बैठ गए हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पिछले 1 घंटे से ये तमाम व्यापारी इसी तरह से हाईवे को जाम करके बैठे हुए हैं। घरोंडा मौके पर पहुंच चुके हैं व्यापारियों को आश्वासन देने के लिए कि जो भी कार्रवाई होगी वह जरूर की जाएगी, लेकिन व्यापारी आप देख सकते हैं कि विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, और SHO इस समय आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच गए हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ये लाइव पुलिस खड़ी है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं व्यापारी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आश्वासन नहीं कार्रवाई चाहिए, व्यापारियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे, क्योंकि पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। खाना प्रभारी आए हुए हैं, पांच चल कर आप लोग प्रशासन की बात सुनिए पहले, मुद्दा बात क्यों है, आप लोगों ने प्रशासन को आप सुनो ना बात हुई है, आप सुनो तो नहीं बात को यार, आप किराने
आप सत्ता क्यों ना यार बैठे हो तो सुनोगे हमारे बात तो आप दोनों की दिक्कत हो रही है तो जो कर रखा है मैं तो कागज दिखा उसको कला आ जा मैं तो कागज दिखा उसको आ जा मतलब इस चीज का सुनो अरे रुपया इस चीज के लिए यूं किसी को कहना या गुमराह होना ये गलत बात है। मैं तो तुम्हें ये दिखा सकता हूँ कि देखो जी ये बंदे मेरे पास रुका गुप्ता जी का प्यान है दो अरेस्ट हुए उसमें से एक अरेस्ट हुआ एक ये था मच्छर उसमें जिसका एनकाउंटर हुआ ये उस वारदात में था एक वारदात में अरेस्ट हुआ यहाँ के एक्शन में अरेस्ट हुआ किसी और वारदात में पकड़ा गया था तो उसमें पकड़ा और या किसी में पकड़ा जाए यार अब ये बात छोड़ो साथी एक एनकाउंटर में मार भी दिए मर भी गया मैं कह रहा हूँ कि वो किसी और वारदात में पकड़ा गया था चलो हो गया चलो उल्टा वारदात कर गया मेरे चोरी में अरे भाई पकड़ा तो गया जो कार्रवाई रात भी आया और मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि वहाँ एक वारदात हो रही है और वहाँ आप पुलिस कर्मचारी ये पूछ रहे मास्क अब उस टाइम में कई आदमी मास्क नहीं लगाया अच्छा वारदात की बात ये है कि एक हफ्ता पहले भी वारदात हुई थी सुनो अगले दिन उस वारदात के 10 घंटे बाद हमने बता दिया और इसके बाद आप एक बात बताओ ना ऐसे तो हर ये कल वारदात हुई आप कल को फिर पकड़ लोगे फिर वारदात या कोई वो मैंने बताया अभी आपने सुना नहीं बता दिया राइडर आने से और भी हमने डिमांड कर दी है जी जी राइडर मारी ये है और पीसीआर हाँ एक पर राउंड सुबह शाम फोन करने के ना 10-15 मिनट तक पुलिस आ जानी चाहिए हाँ बस लगे प्रशासन आ रहा है बात तो सुनो तसली तो नहीं करनी ये चीजें होती है हाँ चल अब कुछ तो आप लोगों ने हमारा साथ देना और कुछ हम आप लोगों के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा करें जी जी रही बात इसकी कि भाई हमारे जो गेस्ट हैं पेट्रोलिंग जो हम चाहते हैं नंबर एक जो गेस्ट पेट्रोलिंग हमारी आपके पास कितने राइडर हैं एक राइडर और आपके राइडर और उस पर प्रोवाइड रही दूसरी बात आप लोगों से गुजारिश ये है कि बाजार जो है ना कोई तो 8 बजे बंद करके चला जाता है कोई 9 बजे बंद करता है कोई 11-11 बजे तक खुले रखते हैं तो उसके लिए आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि आप लोग जो एक मिनिमम टाइम करके वो आप लोग सोचो क्या करना है वो 8 करना है 9 करना है 10 जो भी करते हैं वो करिए 8 से 9 करिए 10 करिए जो भी है वो एक पर्टिकुलर ये हो जाए कि भाई इस समय जो है दुकान बंद करने का समय है और प्रशासन जो है वो पेट्रोलिंग पे निकलने का समय ताकि ये लोग भी आप लोगों की सुरक्षा में वहां घूमते रहे और आप लोगों की भी ये सुरक्षा हो कि भाई आप चले गए हम बैठे हम सुरक्षित हैं तो इस बात के लिए हम आश्वासन भी दे रहे हैं आपको रही पिछली बात की जो पिछला कांड हुआ था उसका हम कामयाबी पे हैं हम उस चीज पे पहुंच चुके हैं और इसका भी अगर आप हमें समय दोगे भाई 2-4 दिन का तो हम इसके भी आप लोगों के सामने कल्पित लाके खड़ा करें अगर हम यही सामने खड़े रहे ये SHO साहब आपके पास यही खड़े रहे तो इसमें अगली कार्रवाई जो CCTV चेक करने हैं जो कुछ भी करने हैं जो आदमी आप यहाँ खड़ा है वो 2 घंटे बाद कहाँ होगा तो जिस आदमी ने ये काम कर दिया है उस आदमी तक पहुंचने के लिए हमें कुछ समय चाहिए हमें को भी टाइम हमारा काम देखो अगर आपको ये विश्वास आता है कि आप कुछ करेंगे उसके बाद भी हम यही हैं शहर यही है सड़कें यही हैं सही बात है बहुत बेहतर बात तो कुछ समय हमें ताकि हम उस बात पे मैं मानता हूँ कि आपने जो कहा है कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे जो आप कहेंगे
पता क्या होता है, ये वारदात तो कोई 6 बजे या 8 बजे वारदात करने वाले तो समय चल रहा है ये होता रहा है नहीं होता रहा, हम अंदर हार रहे हैं हम भी पुराने यहाँ से हैं, हम भी लड़े हैं, यहाँ रहे भी हैं, इतना कभी क्राइम बढ़ा नहीं था जनाब। लेकिन अब क्या है कि अब हर माहौल हर आदमी दहशत के माहौल में है, तो उसके लिए आप लोगों को ज्यादा हमारा नहीं देखेंगे अगर प्रशासन नहीं बोलेगा कोई दुकान नहीं खोलेगा, अगर आपको सिक्योरिटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी उसके लिए हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आप एक टाइम दिखाओ, हम एक आपको फिक्स जो आपका जो वो व्यापारी बैठ के टाइम डिसाइड कर लेंगे, जैसे व्यापार मंडल को सुविधा सोच विचार करके ये सड़क पे नहीं है लगे जिस पैसा तो कुछ समय दो हमें इस चीज से चुनाव सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए। एक मिनट चार पाँच एक सेकंड के लिए यहाँ चार पाँच जो चुराए हैं हम कहते हैं सर से वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए, शहर के चार पांच गांवों पे हमारी और आसानी होगी। आज इकट्ठे हो रहे हैं मेरे तो प्रशासन कहा गया हर जगह आश्वासन ना दें प्लीज कार्रवाई करें। आप लोग इकट्ठे हो गए जी इकट्ठे हो गए, अब एक सबसे बढ़िया मौका है कि अपने ग्रेजुएशन पढ़ा के और कमेटी के पास जाओ, हमें भी एक कॉपी दे उसकी हम किस तरह से व्यापारी है वो यहाँ पर जाम लगाकर बैठे हैं और किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन एक घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, प्रशासनिक अधिकारी उनके बीच में पहुंच चुके हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि जमकर प्रदर्शन करते हुए और व्यापारी अपनी मांग जो है प्रशासन के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो गरोंडा में हुई वारदात को लेकर इस समय आप देख सकते हैं व्यापारियों ने 1.5 घंटा हो चुका है जाम लगाया हुआ है, सचिव उनके बीच में पहुंचे थे। सर क्या कुछ आश्वासन व्यापारियों को दिया गया क्योंकि 1.5 घंटे से हाईवे जाम किया हुआ है उन्होंने, जो लोकल हाईवे है क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इनको फर्दर गश्त के लिए मैंने बताया है, इनकी डिमांड थी कि प्रत्येक चौक पे शाम के टाइम कोई डीसीआर या राइडर खड़ी हो, वो मैंने इनको इनसे बातचीत की है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि प्रत्येक रोड पे, लेकिन फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा जितनी गश्त होगी वो बढ़ाएंगे शाम के टाइम 5 से 8 बजे तक, और अपनी पीसीआर राइडर्स को शहर में रखेंगे बाजार में। और एक इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जैसे पिछली वारदात को हमने तुरंत 7-8 घंटे में इनको सॉल्व कर लिया था और ये सिर्फ इनके सहयोग की वजह से हो पाया था, इनके हमने कैमरे चेक करवा दिए थे, लेकिन रात भी जैसे 2 घंटे इन्होंने कैमरे नहीं चेक करने दिए, आप फिर कोई दुकानें बंद है तो कैमरे हम चेक नहीं कर पा रहे। पिछली बार की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कितनी जल्दी हमें सफलता मिलती थी, और यही मैंने इनको रिक्वेस्ट भी की है और ये भी कहा है कि हमारा थोड़ा सा सहयोग करो ताकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई जमा दिला जाए। तो क्या कुछ करा जाएगा अभी तक जाम पे बने हैं जाम खोलने के लिए बैठे रहेंगे? ये मान गए हैं और इनमें से कुछ आदमी अपने थाने में आएंगे और आगामी उसके लिए उसके लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय जो है थाने में जो व्यापारी हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से जो है जाम खोलने के लिए मान गए हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कह तो गए अगर 2 दिन के बाद कार्रवाई सड़के भी यहाँ नहीं है फिर तो संतुष्टि करनी पड़ेगी, अपने घर जाओ कुछ नहीं होगा कोई कार्रवाई नहीं होगी। भाई अपने अपने घर जाओ कोई कुछ नहीं, जिसके पास सबको एक लॉलीपॉप दे दिया गया, लॉलीपॉप लेना हो मेरी दुकान अगर होगा इसमें मेन बाजार में मैं फिर से लॉलीपॉप ले लिया। तो आश्वासन दिया पुलिस ने क्या कहना चाहोगे? आश्वासन क्या करेगी पुलिस वाली आगे आश्वासन दे देते हैं, आश्वासन तो सारे दे रहे हैं आगे बात कर दी भाई सड़की नहीं है और रास्ते भी हैं, रास्ते भी हैं, आदमी भी हैं। आप कल को अपना वोट जाम कर लो क्या करेंगे? कल आप आएंगे अपना दोनों जाएंगे हम कुछ संतुष्ट नहीं है ना कुछ है, या तो पुलिस प्रशासन अपने हाथ खड़े करते कि भाई हमारे बस का कुछ नहीं है, व्यापारी अपनी रक्षा अपने व्यापारी क्या करना चाहेंगे जी? ये काम रोज ही होंगे यहाँ पे तो आश्वासन तो दिया पुलिस ने कुछ नहीं है। आप जाम खोल रहे हैं? हाँ जी जाम खोल रहे हैं जाम जी क्या करें?
हमें तो रोज वही खानी है, हमको कोई सुविधा नहीं चाहिए। व्यापारी को तो रोज ज्ञान हथेली में लेकर बैठे, व्यापारी कुछ नहीं कर सकता। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से जो तमाम व्यापारी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए थे, और पिछले डेढ़ घंटे से करनाल के गरोंडा का जो हाईवे है वो जाम किया होता। लगातार व्यापारी ये मांग कर रहे थे कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते या कोई ठोस आश्वासन उनको नहीं मिल जाता तब तक जो है वो इस रोड को नहीं खोलेंगे। और आप देख सकते हैं कि एसएचओ इनके बीच में पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी के बीच में पहुंचे, इनको आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या आखिरकार जो आरोपी है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार होते हैं या व्यापारियों का जो गुस्सा है तब तक जो है जारी रहता है। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि रोड को जाम करके पिछले डेढ़ घंटे से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस के अधिकारी इनके बीच में पहुंचे हैं, इनको ठोस आश्वासन दिया गया है, तब जाकर कहीं ना कहीं जो इनकी मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन व्यापारियों ने साफ तौर पर कह दिया कि पुलिस प्रशासन ने पहले भी कई बार आश्वासन दिया लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। अब देखना होगा कि आखिरकार आरोपी कब तक गिरफ्तार होते हैं। लेकिन गरोंडा के जो तमाम व्यापारी अपने बाजार बंद करके किस तरह से जो है हाईवे पर जाम लगाकर बैठे हैं, हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिडा करनाल की न्यूज करना। सबका सोल्यूशन होगा बाबू जी, सबका सोल्यूशन। आप बोल रहे ना, आप इकट्ठे आज ही तो आए हो, आज से पहले इकट्ठे हुए हो, तो इकट्ठे करके हो गया कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिलेगा। उनको भी टाइम दो, 24 घंटे 48 घंटे उनको भी चाहिए, बन देना बात। उनका टाइम भी जरूरी है भाई, उनको टाइम भी देना जरूरी है। अब देख सकते हैं कि तमाम व्यापारी जो है किस तरह से रोड पर उतरे थे और प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। क्या कहना चाहेंगे, जो कल कुछ हुआ काफी कुछ गलत हुआ, काफी सभी व्यापारी उसकी निंदा कर रहे हैं। विनोद जुनेजा जी जो एक हरियाणा व्यापारी है, उन्होंने कल अपना सामान शुरू करके जाने की तैयारी कर रहे थे, तो तीन बदमाश आए, उन्होंने बंदूक चलाई और गोली चलाई उनके ऊपर, और अमृत धारा में उनको अटक किया गया। और सीएम सिटी होने के बाद भी यहाँ पर कोई किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, और हमारे यहाँ पर यानी व्यापारियों के अंदर पूरी दहशत फैल चुकी है, क्योंकि इन्हीं 2 महीने के अंदर 3 बार गोलियां चल चुकी है, 1 बार तलवार चल चुकी है, और प्रशासन का इसमें कोई सा भी हाथ नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमें ठोस बताए कि हाँ भाई, हम गरोंडे का कुछ आश्वासन दे कि गरोंडे हम कुछ करेंगे, यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षा का कोई वो नहीं है, और पूरे गरोंडे में किसी तरीके की कोई जस्ट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। यानी अब व्यापारियों का ये हाल हो चुका है कि इन्हें अपने लिए लाइसेंस ही बनवाने पड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी, क्यों परेशान है? वैसे जी मेरा कहना ये है कि प्रशासन तो कम कसूरवार है, सरकार ज्यादा कसूरवार है, क्योंकि हमारे लोकल विधायक हैं और हमारे साथ 7 से 8 घटना हो चुकी है, और विधायक जी आज तक किसी को जाके नहीं मिले, किसी घर पे जाके आश्वासन दिया होगा कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूँ, या उन्होंने थाने में फोन कराओ, एसपी को फोन कराओ, डीसी को फोन कराओ। मेरे हिसाब से सरकार कसूरवार है जी, लोकल विधायक होने के बाद भी इतने कांड हो रहे हैं ना जी, ये बहुत दुखद घटना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो तमाम व्यापारी हैं काफी ज्यादा गुस्से में हैं, और किस तरह से हालांकि जो रोड पर लगा जाम था वो खोलने के लिए जरूर तैयार हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब पुलिस ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन मैं फिर कुछ और कहता हूँ कि अगर 24 घंटे जब इनके पास सीसीटीवी कैमरा आ गया, गाड़ी आ गई, तो इनको रात को ही कार्रवाई कर देनी चाहिए, लेकिन अभी तक संतुष्टि से इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हम फिर भी ये बोल के गए हैं सिर्फ केवल और 12 घंटे या 24 घंटे इसको देंगे, अगर अच्छी कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर सारी जनता के साथ थाने का। राणा जी गरोंडा में इतनी वारदात क्यों होती है? देखिए जब गरोंडा गरोंडा की बात नहीं, गरोंडा में तो आज तक हमें भी कई साल हो गए, मेरे पिताजी यहां से नुमाइंदगी कर चुके हैं, मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। ये केवल यहाँ की विफलता है, यहाँ से चुने हुए नुमाइंदों की विफलता है, इस बीजेपी सरकार की विफलता है, इनके राज में इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई। ये केवल गरोंडा नहीं है, आप करनाल का देख लीजिए, आप तो रोज पत्रकारिता करते हो, असम में चले जाइए, पानीपत में चले जाइए, पूरे प्रदेश में इस टाइम हाहाकार मचा हुआ है, कानून व्यवस्था की कोई। तो इतनी वारदातें हो रही हैं, तो उससे भी सबक लेकर कैमरे क्यों नहीं लगते? हमने करनाल में देखा कि लाखों करोड़ों रुपए के कैमरे लगे हैं, उससे वारदातों में कुछ अंकुश लगा है। अब यही मैं बता रहा हूँ ना कि कैमरे पेपर वर्क वादे वो सब करते हैं कि जी हमने ऑर्डर कर दिया है, कैमरे लगे हैं, कहीं भी कैमरे नहीं है, अगर कहीं 2-4 लगे भी हैं तो कैमरे भी दुरुस्त नहीं है। तो ये तो देखना चाहिए ना, यहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए, मार्केट कमेटी वालों को देखना चाहिए, यहाँ के एसएचओ साहब को देखना चाहिए, एसडीएम साहब बैठते हैं, लेकिन केवल वादा करके चले जाना, इसीलिए आज ये जनता बहुत दुखी है। और मैं
के दुख में इनके साथ शरीक हूँ और ये पूर्व मांग करता हूँ कि ऐसी वारदात को रोकने के लिए इनको पेट्रोलिंग भी करनी चाहिए। अभी उन्होंने जवाब दिया था कि वारदात दुकानदार 10 बजे 11 बजे 12 बजे दुकान नहीं बंद। मैं उससे मानता नहीं हूँ। 8 बजे जितनी वारदात हुई है, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8, आप एक नियमित टाइम रख दीजिए, सबको बोल दीजिए भाई 8 साढ़े 8 के बाद कोई दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन दिन दिहाड़े ये तो कतलेआम हो रहा है। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी बच्चे की, अब बदमाशों के डर से नहीं है, फरौती मांगते हैं और हर चीज प्रशासन को पता है। तो काफी ज्यादा गुस्से में आप देख सकते हैं गरोंडा के जो स्थानीय लोग हैं, समय नील राणा किस तरह से जो है बताते हुए नजर आ रहे थे कि कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती पुलिस को, ये आने वाला समय है। लेकिन कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे, गरोंडा में काफी वार्ता हो चुकी है, चंदू साहब क्या कहना चाहेंगे कि व्यापारियों को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? जो कल की घटना हुई है, मैं आपको के चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा प्रशासन को, एसपी साहब को, यहाँ के डीएसपी साहब को और एसएचओ साहब को, कि गरोंडा के अंदर चौराहों पर कम से कम कैमरे होने चाहिए। जो ये बदमाशों के लगाम हो रहे हैं गरोंडा में, कई वारदात ऐसी हो चुकी है, इन पे काबू पाना चाहिए। और मैं इस तरह से तो यहाँ बिल्कुल सरेआम दहशत है लोगों के अंदर, और इसको जल्दी से जल्दी जो कल ये वारदात हुई है बदमाशों को पकड़ना चाहिए और जेल की सलाखों को पीछे भेजना चाहिए। ऐसा पूरे गरोंडा की जो जनता है कल से दहशत में है कि सरेआम शाम के टाइम जब उन्होंने उनका थैला छीनने की कोशिश की, थैले में उसमें चल पैसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गोली मार कर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही। ऐसे बदमाशों को बेलगाम जो हो रहे हैं वो पकड़ना चाहिए और सख्ताई करनी चाहिए, जिससे कि गरोंडा में अमन चैन रहे और लोग अपने जो इनके साथ वारदात हुई है उसको ये सोचे कि प्रशासन ने जल्दी से जल्दी बदमाशों को पकड़ा है, ये अमन चैन से चलो बोल देंगे। नहीं थोड़ा सा ना सर, अब मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ना, एक मिनट सर, थोड़ा व्यापारी को एक आश्वासन दो कि एक तो गश्त बढ़ाई जाए, अगली थोड़ा सा ये बात करो जी, सारी बात भूल जाते हैं व्यापारी भाई। 2-3 कांड सर लगातार हुए हैं, नहीं आपने कार्रवाई की है, मैंने आपसे बात हुई थी जो सुभाष गर्ग जी के साथ हुई है, उसमें 2-3 आपने पकड़े हैं, 2-3 नहीं, 2 बड़ी वारदातें इस दौरान हुई थी, और उनके द्वारा भी आपने उमर कैद की धारा उनपे लगाई हुई है, सारी की सारी है आप लोग। लेकिन जो ये एकदम कांड हुआ ना जी, ये सारे शहर के अंदर रोष है, थोड़ा सा एक आप व्यापारी भाइयों को संदेश दे दो, थोड़ी सी गश्त बढ़ेगी, शक्ति करोगे ना जी एक बार आप, थोड़ा सा गरोंडा में कई वारदातें हो रही है, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, व्यापारियों ने जाम किया हुआ और कई वारदात गरोंडा में हो चुकी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये व्यापारी सबसे शांत वर्ग है, बनिया और पंजाबी ये सारे व्यापारी हैं, जितनी शांति से ये रहने जाते हैं ना, इनको कोई रहने नहीं दे रहा। अब ऐसे ना हो कि इससे हद से ज्यादा बदतर हो जाए, तो मेरी पत्रकार भी एक आईना होते हैं, तो अगर पत्रकार चाहें तो ये मुद्दा उठा के क्या करेंगे, आप तो पार्टी से हैं, मुख्यमंत्री से हैं, जिला प्रधान से, किसी से बात करेंगे? इसे खुद गुहार लगाती हूँ कि जैसे योगी ने अपने यूपी को संभाल के रखा है, इस तरह इनको क्यों नहीं संभालते, आपका ढीला रवैया हमें पसंद नहीं आ रहा। मैं मुख्यमंत्री से गुहार करना चाहती हूँ कि गरोंडा में इतनी वारदातें हो रही है, प्रशासन क्यों सोया पड़ा है? आपको लगता है कि प्रशासन और सरकार ढीला रवैया अपनाए हुए हैं? लग तो रहा है, देखो जी इसमें कहने क्या बात, लग रहा है अगर ये एक वारदात होती है कंट्रोल नहीं होता, दूसरी होती, तीसरी होती है, अब लगातार वारदातें हो रही है। गुंडा भी ये सोच रहे हैं कि ये शांत वातावरण है, यही पकड़ो सारे, गरोंडा में गुंडों ने डेरा डाल लिया क्या, इन्होंने तो यहीं पे मुंह कर लिया, इसका मतलब क्या बनता है कि यहाँ शांत लोग शांत रहते हैं, तो इनको लूटते जाओ। यूपी में शांत हो गया, यहाँ चालू हो गया, जैसे कि पहले यूपी में होता था, लेकिन अब ये यूपी बना दिया है, ठीक है जी, ये वारदात एक वारदात नहीं है, कई वारदात हो चुकी है, एक हफ्ते के बाद एक, लेकिन वही शाम के टाइम ये वारदात करते हैं, लेकिन आज तक प्रशासन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं आप देख सकते हैं जो SHO हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं, हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर, 11 बजे तो हमने बता दिया था कि फलाने बंदे वारदात करके गए हैं, इस केस में सुभाष गर्ग वाली में, इस केस में दिक्कत है कि रात भी 2 घंटे हमें CCTV कैमरे चेक नहीं करने दिए लोगों ने, कि हम तो चेक ही नहीं करने देंगे, बाकी यार साथ भी थे लेकिन 2-3 लड़के वहाँ आ गए कि ना जी हम तो चेक नहीं करने देंगे, अल्टीमेटली उन 2-3 को लोगों ने समझाया, व्यापारियों ने कहा कि कैमरे तो चेक करने दो, कैमरे चेक करके वो तस्वीर सामने आई, उसमें पता लगे कि ये वारदात की मोटो सप्रेंडी ये है,
अब ये था कि रात को भी हमने 12 बजे तक जो उस गली के थे कैमरे करे चेक, हमें यूं पता लग गया कि वो इस रूट से रेलवे रोड से भागे हैं। अभी जो रेलवे रोड पे दुकानें हैं, कैमरे हैं, जो रात हमने आइडेंटिफाई करे थे उनको चेक करके, ताकि उन लोगों का यूं पता लग जाए कि वे हैं कौन, जैसे पिछली बार दादू में पता लग गया। तो ये तो कम से कम आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं हम कि इतना सहयोग करो कि कम से कम थोड़ी सी तफ्तीश आगे चलने दो, पुलिस को कम से कम उन लोगों के पास पहुँचने तो दो, थोड़ी सी कार्रवाई तो करने दो। ये बात पिछले केस में चार लोग जो पिछला केस था जी करनाल ब्रेकिंग न्यूज। करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए, आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है, उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है, वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है, और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।